नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देहरादून में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं की क्या राय है, ये जानने की कोशिश की देहरादून से हमारी संवाददाता निशी भाटिया ने। इस दौरान महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या रही है, लोग क्या कह रहे हैं, इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है और इस बार किस पर किस्मत आजमाने जनता जा रही है, आपको सुनाते हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, महिलाओं का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं वो महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उत्तराखंड की सियासत जो है बिल्कुल गरमाई हुई है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो लड़कियों लड़ सकती हूँ ये नारा आपने सुना होगा, बीजेपी बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ यह आपने भी नारा सुना होगा, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी में महिलाओं को लेकर क्या जोश चल रहा है इस 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर, उसी को जानने हम महिलाओं से खुद उनकी राय जानने आए हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जो महिलाओं का हाथ है वो किस पार्टी की हो रहा है, क्या राय है महिलाओं की इस बार चुनाव को लेकर, कौन सी पार्टी इस बार सत्ता की मलाई चख सकती है महिलाओं के वोट को लेकर, इसी चीज पर हम राय जानने आए हैं कि महिलाओं को लेकर कौन सी पार्टी ऐसी है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है और महिलाएं किस पार्टी को वोट देकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद है महिला, तो हम आपसे जानेंगे कि लगातार सियासत जो गरमा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दे रही है, बीजेपी दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, और कहीं ना कहीं महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमा देने की बात भी आम आदमी पार्टी कर रही है, महिलाओं का चर्चा हर एक पार्टी कर रही है, लेकिन आपकी क्या राय है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कि कौन सी पार्टी जीत सकती है और आप क्या चाहते हैं? मैम देखिए, कौन सी जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी ये तो अभी भविष्य में छुपा है। रही बात महिलाओं की भागीदारी के लिए, तो आप उन पार्टियों से भी सवाल कीजिए जिन्होंने 70 विधानसभा, मैं उत्तराखंड की बात करूँगी खाली, 70 विधानसभा सीटों पर कितने परसेंट महिलाओं को टिकटें दी हैं, और एज बींग अ कॉमन मैन, किचन बहुत महंगी है, सिलेंडर के दाम आसमान को छू रहे हैं। जी, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं कि कांग्रेस ने जो अभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, तो कांग्रेस ने 5 महिलाओं को सीट दी है, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही थी हमारे पड़ोसी राज्य में और उसकी भनक कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी लगी, उसके बाद बीजेपी ने 8 दिए, तो इस पर आप क्या कहें? परसेंटेज इतना है, 30% भी नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं तो भेदभाव है, और वो चलिए उसको भी हम छोड़ते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि जब नॉर्मल जो मतलब कॉमन वुमन है उनका होता है किचन, बजट हरा बिगड़ाता है क्योंकि आपने गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं, एडिबल ऑयल्स हैं और जो भी घरेलू सामान हम लोग यूज़ करते हैं उसकी कीमतें इतनी है कि बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ जाता है, और हर इलेक्शन के बाद एक उम्मीद बनती है कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिलेगा, बट रिलीफ जो पार्टी देगी वो जीतेगी। और रही बात जैसे आप कह रहे हो कि 1000 रुपये, बट बात वही आती ना, 1000 रुपये दोगे कहाँ से, रेवेन्यू कितना कैसे जनरेट करोगे जो आप फ्री में लोगों को बांटोगे, फ्री में मत बांटो, आप चीज़ों की कीमतें कम कर दो ताकि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसा कर सकती है कि महिलाओं को 1000 रुपये ना देकर उनके लिए कुछ सोचे? मैम सोचता तो कोई भी नहीं है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को तो बोलूँगी नहीं, बट यह है कि सबका अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे एजेंडा देखेंगे तो एक ही है, फिर तो अपने मतलब उनको ये है कि हमारी पार्टी आ जाए, उसके बाद वो क्या करते हैं वो देखने वाली बात है। अब सबने अच्छे अच्छे लोक लुभावन वादे किए हुए हैं, जैसा कि आपने बताया कि पहले वादे करते हैं उसके बाद मुकर जाते हैं वो चुनाव के बाद, तो कहीं ना कहीं कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो चुनाव आते ही पलट जाएगी और महिलाओं को लेकर जो बड़े बड़े वादे कर रही, कौन सी पार्टी आपको लगती है मुकरने वाली? मैं मुकरने वाली में बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलना चाहती, ये है कि कहीं ना कहीं मतलब जैसे अगर आपने 100% किया तो आप 80% ही देते हैं उसका, मतलब पूरा तो कभी देंगे ही नहीं, कम ही मिलता है, तो देखते हैं कौन आता है कैसे होता है। क्योंकि आपके हिसाब से आप किसको वोट देने वाली हैं? मैम मैं पार्टी को नहीं दूंगी, मैं कैंडिडेट को वोट दूंगी क्योंकि मुझे जो लगता है जो डिजर्विंग है, जिसने अपने क्षेत्र में काम किया है और जो अपने क्षेत्र के मतलब जो क्षेत्रवासियों की समस्या को इसको पता है और जिसने निराकरण किया है क्या काफ़ी हद तक पिछले 5 सालों में, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं तो उसे वोट देना चाहूँगी।
जी मैं आपके पास आती हूँ, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपका वोट किस पार्टी को जाने वाला है? मेरा तो किसी को भी रुझान मेरा किसी की तरफ भी नहीं है, जो काम करेगी वो ही वोट लेके जाएगी। कौन सी पार्टी काम करेगी फिर आपके लिए? मुझे नहीं पता ना कौन सी पार्टी, अगर मैं इतनी भविष्यवाणी करती तो मैं चाय क्यों बेचती, मैं अपना भविष्य खुद ना जान लेती। पर आपने जिस तरीके से कहा कि जौन सी पार्टी आएगी, हाँ वो देखेंगे ना क्या हो रहा है, विकास क्या नहीं, अभी तक हमारी पेंशन ही नहीं लगी है, दोनों बुजुर्ग इंसान है, जब मेरा काम नहीं हो रहा तो मैं पार्टी को क्या सपोर्ट करूंगी, ये बताइए ना। हम दोनों, मेरे हस्बैंड अपाहिज हैं, वो बेड पे पड़े हैं, और मैं अकेली चाय का काम करके सर्वाइव कर रही हूँ, तो कैसे कर रही हूँ, मुझे ही पता है मैं कैसे सर्वाइव कर रही हूँ। जैसा कि हर चुनाव में महिलाओं की जो भूमिका है उसका कुछ एक अहम महत्व होता है, महिलाओं, लेकिन महिलाओं का यहाँ पे तो शोषण हो रहा है बेटा, यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ शोषण हो रहा है यहाँ पे तो। जब एक महिला अपना चाय बेच के काम कर रही है, गुजारा कर रही है, तो सरकार को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? इतने मेरे इंटरव्यूज आ रहे हैं, इतना मेरा अखबारों में आ रहा है, सरकार कुछ कदम ही नहीं उठा रही है। तो महिलाओं के शोषण की आपने बात की, तो बीजेपी की सरकार इस वक्त तत्कालीन सरकार है, तो इस हिसाब से आपके क्या काम रुके हुए हैं और बीजेपी को आप वोट दोगे नहीं दोगे? मैं ये कह रही हूँ मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही है ये बात। आप किसको वोट दोगे, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी? मैं नहीं कह सकती बेटा, मैं नहीं कह सकती कि मैं किसको वोट दूंगी, उस टाइम पता नहीं क्या दिमाग में आता है क्या दिमाग में नहीं आता। अच्छा, तो आप जिसको भी वोट देंगे तो उसके पीछे क्या वजह होगी, मेन क्या कारण होंगे? मेन वजह यही होगा, जो भी मेरी पेंशन इस टाइम लगवाएगा वही मेरे वोट का हकदार होगा। तो अब जैसे कि चुनाव आ रहा है, लगातार जो महिलाएं हैं और भी जो नेता राजनेता हैं वो लगातार महिलाओं को लेकर सारे काम करेंगे, अब तो सबकी मनमानी होगी और सबके जो रुके हुए काम होंगे सब पूरे होंगे, तो आपका, आपको तो लग ही रहा होगा कि आपका भी काम हो जाए। मुझे लग रहा है कि कोई भी सरकार आए काम तो करेगी, लेकिन वही है ना कि जो भी सरकार आती है वो सिर्फ 5 साल तक सीमित हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि अब 5 साल तक मुझे कोई हिला नहीं सकता, तो इसलिए कोई काम नहीं होता। तो मैं आपसे भी जान लेती हूँ कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाएं किसको वोट देने वाली है इस बार? कोई भी सरकार है, हम तो भैया जो बताएंगे उसी में देंगे, जो सरकार हमको देंगे उसी को देंगे, मेरा कोई कतन नहीं है। बच्चा है, बिरहान हो रखी है, बड़े बड़े है, कहीं की शादी हो रखा, बच्चा नहीं पड़ता, काम धंधा है नहीं बाबू। तो कहीं ना कहीं आपका बेरोजगारी मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? हाँ जी, मुद्दा रहेगी, मेरे चुनाव होगा जिसको देंगे, तुम यका को हो जाएगा, जनता सब होगी इकट्ठा, एकता होगा, यकमा दो ना, यको को दो वोट, एक जीतेगा वो निर्णय करेगा। सोशल ने समाज में आगे बढ़ के काम किया है, भूखे रह रहे के उन्होंने समाज के करा, तो उनके परिवारों के कई शहीद हो चुके हैं जिनको हम आज नमन करते हैं, तो उन महिलाओं को क्यों नहीं टिकट दी जाती? महिलाओं को टिकट बेटा पता कहाँ दी जाती है, यहाँ तो कोई मंत्री हो उसकी बेटी है, उसकी बहू है, उसकी बीवी है, उसको मिलती है, यहाँ तो फिर वो ऊपर से पैराशूटर आती हैं दिल्ली से, तो उनको महिलाओं को टिकट मिल जाती है, उन महिलाओं को दोनों जो यहाँ पर काम कर रही है। आपने बिल्कुल सही बोला कि पारिवारिक जो है मामला सियासत में चल रहा है, बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं इस बार पारिवारिक झोल किया है, कांग्रेस भी करती है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक सही है? हद तक क्या सही होनी है, पैसा खर्चेंगे अपने, उनके जो भी है, अब क्या बोलूं मैं, वो लैंग्वेज बोलना नहीं सकती, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, वो लैंग्वेज मेरे संस्कार है कि वो अपने उनके चमचे चमचे होते हैं वो ही जाके करवा देते हैं, चलो जी ये आइए ये आइए, और पब्लिक वहाँ बहुत हताश हो जाती है कि जिसको हमने वोट नहीं देना उसको ये लाकर खड़ा कर देते हैं, और उस एरिया में, उस विधानसभा में, उस क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं इतनों दिनों से, तो उन महिलाओं को क्यों दरकिनार किया जाता है? वो महिलाएं क्या पार्टी के लिए काम नहीं करती, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो महिलाएं भी तो अपना घर छोड़ के यहाँ आ जाती हैं, आदमी तो आ जाते हैं, उनकी बीवियाँ तो घर से खाना बना के दे देती हैं, महिलाएं तो अपने बच्चा भी देखती हैं, राजनीति भी देखती हैं, किस लिए देखती हैं? कि वो संघर्ष करती है, उनको पता है ये प्रायोरिटी है, ये मोहल्ले में पड़ोस में जिनकी ये परेशानी है उनको करते हैं। मुझे 3 साल हो गए, मेरे हस्बैंड नहीं है, विधवा पेंशन के लिए दर दर धक्के खा रही हूँ, मेरी बेटी यहाँ सड़क पे बैठी हुई है, कौन सुन रहा है?
कोई सुन रहा है? तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं महिलाओं को 1000 रुपए की जरूरत नहीं है, वो एक तरह से भीख का काम करेंगे, कहीं ना कहीं उन 1000 रुपए से जो सबको हर महीने देंगे उनका एक ही वो कुछ फैक्ट्री या फिर कोई भी रोजगार दे दे महिलाओं को लेकर, जिससे वो सम्मान पूर्वक जो है उस चीज को अपने हक का पैसा कमा सके। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की राय इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो महिलाओं को लेकर पहले काम करे, महिलाओं के सम्मान पर काम करे, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दे और कहीं ना कहीं जो रुके हुए काम है उन पर भी ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं और महिलाओं से भी जानकर ये चीज साफ करेंगे कि क्या हकीकत में महिलाओं को लेकर सरकार, बीजेपी की जो तत्कालीन सरकार है, वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब लोगों से बातचीत करते हैं और महिलाओं से बातचीत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या है मानना, कौन सी पार्टी को आप वोट देने वाली? हम तो कांग्रेस से हैं जी। कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस को? क्योंकि हम शुरू से उसी के साथ हैं। तो आपको उनके विकास कार्य अच्छे लगते हैं? हाँ। तो कुछ आप मुझे गिना सकती हैं लगभग कि कांग्रेस कार्यकाल में ये काम अच्छा हुआ? ऐसा तो मोदी कर रहा, जनता पार्टी कर रही बढ़िया बढ़िया काम। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी काम अच्छा कर रही, पर आप वोट कांग्रेस को दोगी क्योंकि शुरू से आप उनको? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अब देखते हैं क्या करें, काम तो भी यही बढ़िया कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं का जो वोट है वो बहुत अहम होने वाला है इस बार, महिलाओं का हाथ जो होगा इस बार पार्टी को जिताने में वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो मैं आपका एक वो कीमती वोट जानने आई हूँ, किस पार्टी को जाए? देखेंगे, आपका तो हाथ जनता पार्टी का लग रहा। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लगातार हम लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं और ये भी जानने की हमने आपको कोशिश की है कि किस तरीके से महिलाएं लगातार जो कहीं ना कहीं पार्टियां सारी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक दावा कर रही है, हर किसी के मैनिफेस्टो में महिलाओं का जिक्र ज़रूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव में महिलाओं की भी अहम भूमिका होने वाली है, महिलाओं का एक बहुत ही बड़ा इसमें एक पॉइंट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक दिलचस्प बात होगी कि 2022 विधानसभा चुनाव कितने दिलचस्प होने जा रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार। बीजेपी से धामी, कांग्रेस से हरीश रावत या फिर उत्तराखंड में उभरते तीसरे विकल्प के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय सिंह कोठियार, इस बार जनता किसे चुनेगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जनता की राय जानी है। क्या कुछ कहा लोगों ने, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी में और उत्तराखंड की राजधानी के ऐसे मशहूर बाजार में जहाँ काफी ज्यादा संख्या में लोग मिलेंगे और हम उनसे यही जानने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं कि उत्तराखंड की राजनीति को एक तरफ रखें और जो सीएम के चेहरे तीन उभर कर हमारे सामने आए हैं, बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत, कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियार, तीनों ही एक अहम चेहरे के रूप में जो है वो सामने आ रहे हैं। तीनों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चेहरे हो चुके हैं और इनसे ये जानना बेहद ही ज़रूरी होगा कि सीएम के चेहरे पर कौन सा फिट बैठता है, सीएम की कुर्सी पर कौन सबसे सटीक बैठता है, इसी को लेकर आज हम यहाँ की प्रदेश की जनता से बातचीत करेंगे और सीएम की कुर्सी पर कौन इनके हिसाब से बेस्ट बैठेगा उस चीज़ पर बातचीत करेंगे। तो चलिए लोगों से जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त स्थिति क्या मौजूद है उत्तराखंड की सियासत। तो चलिए जान लेते हैं, तो आपके हिसाब से किसको वोट देने वाले हैं आप? कांग्रेस को। क्यों? बस आई मैडम। नहीं, कांग्रेस को आप वोट दे रहे हैं, बट कांग्रेस को वोट देने की वजह? बस अच्छा कर रहे हैं, बस सही कर रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस अच्छा कर रही है। वोट क्या किया कांग्रेस ने? अच्छा, बस कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस, आपका क्या मानना है, कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही काम? खरे कांग्रेस अभी क्या पता लग रहा है, क्या बीजेपी कर रही, क्या कांग्रेस कर रही है, अभी तो पता ही नहीं। मैम, तो आप किसको वोट देंगे इस बार? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? बीजेपी को क्यों? क्योंकि वो हम लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीब आदमियों की। आपकी मदद करी? हाँ, बहुत कर। तो मैं आपसे भी जान लेती हूँ कि इस बार सीएम के चेहरे पे आपके हिसाब से कौन परफेक्ट बैठ रहा है? कौन? हरीश रावत। हरीश रावत, हरीश रावत क्यों? मुझे वो अच्छा लगता है, एक अच्छा लुक। अच्छा, तो और आपसे भी जान लेते हैं और लोगों से कि काफी ज्यादा महिलाएं खुश हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है हरीश रावत को लेकर, और लोगों से जानते हैं कि क्या है असल वजह। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सीएम की जो फ्रेम है उस पर कौन सबसे बेस्ट बैठता है?
मैडम सीएम की फ्रेम में देखा जाए तो हरीश रावत सबसे बेस्ट है अभी तक, क्योंकि बीजेपी के कोई भी सीएम का चेहरा कोई भी खास काम नहीं कर पाया है, और हरीश रावत के उसमें उन्होंने काम भी बहुत अच्छे किए हैं और बल्कि सरकारी वैकेंसियाँ भी बहुत ज़्यादा निकाली है। बीजेपी के कार्यकाल में अभी तक सरकारी वैकेंसियाँ निकली तो कम है, निकली नहीं है वैसे तो, मगर जो निकली भी थी वो भी इन्होंने रद्द कर रखी है। तो मेरा मानना तो है भाई कि इस बार हरीश रावत, इस बार हरीश रावत आप कांग्रेस से इस बार, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, मैं तो मोदी आप को कांग्रेस का चेहरा भी हरीश रावत को देखते हैं पर आप वोट बीजेपी को देंगे? बीजेपी। ऐसा क्यों? मैम समझे नहीं, हमको अपनी देश से बहुत प्यार है, देश से भी मुझे बहुत प्यार है मगर अपने घर से भी बहुत प्यार है, मगर घर से पहले देश है। तो कहीं ना कहीं जब बाद में चुनाव होंगे तो आप क्या पूरे प्रदेश को मद्देनजर न रख के आप देश को पहले नजर रख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि तो देश पहले है हमारे लिए, और हम देखो ये मुख्यमंत्री घर का बेटा जैसा मर्जी काम करे मगर घर के जो पिता हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम तो पिता के साथ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है पूरे कांग्रेस की कमान संभाल रहे, तो उनका चेहरा एक तरह से और बीजेपी को आप वोट दे रहे हैं मोदी जी का चेहरा समझ, तो कहीं ना कहीं तो फिर कांग्रेस को आप इसलिए दे रहे हैं कि राहुल गांधी या फिर हरीश रावत? हरीश रावत। तो आपकी पसंद हरीश रावत है सीएम के? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी पसंद क्या है सीएम? हरीश रावत, धामी या फिर कर्नल अजय कोठियाल जो अभी तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी? हरीश रावत। हरीश रावत, धामी सर सही है? धामी जी। क्यों धामी जी? मैम काम अच्छा किया उन्होंने, काम तो चला मैं जी, काम अच्छा किया है मैम उन्होंने, धामी जी ने। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, रोजगार दिया, पर उन्होंने अभी साफ मुख, आप आइए मैं आपको चाहूंगी आप इधर आइए। कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं, एक सेकंड, इन्होंने बोला कि रोजगार नहीं दिया, जेब खाली नहीं करी, इन्होंने बोला रोजगार नहीं दिया, सड़कें नहीं अच्छी बनी, सड़कें तो अब बनी है ना, स्मार्ट सिटी का काम कितना हुआ बताइए। मैडम देखो ये तो मेरे को पता नहीं ये बाजार क्या है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, इनको तो ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री पीएम मोदी है क्या धामी, इनको तो जिसको यही नहीं पता कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, ये बाजार के हैं, ये बाजार के हैं, इनसे पूछो जब बरसात आती है तो इनकी दुकान के अंदर तक पानी आता है कि नहीं आता, पहले इनसे पूछिए। ठीक है, बरसात होती है ना यहाँ पे तो हमारी शॉप में भी अंदर पानी घुस जाता है। तो ये स्मार्ट सिटी का हाल आपके उससे बीजेपी के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी में दुकानों तक पानी भरा है? जी मैम, जब यहाँ पे ज्यादा बरसात होती है तो यहाँ पे जो है ना शॉप के अंदर भी पानी चले जाता है। अच्छा। जी तो आप नहीं, एक सेकंड, आपने एक सेकंड आपने बात करी, सरकार ने अपनी सरकारी जमीन बनाई, मैं आपसे पहले जान, अरे मेरी बात सुनिए, आपने बोला कि बीजेपी ने रोजगार दिया, बीजेपी ने सड़कें बनाई, पर इनका काम कहना है कुछ काम नहीं किया। नहीं नहीं कोई नहीं, मजदूरी उन्होंने कहा कुछ काम नहीं किया बीजेपी, करा करा बहुत कुछ करा, क्या करा? बहुत कुछ करा, सड़कें अच्छी कर दी, रोजगार दिया, कौन सी सड़क फ्लाईओवर जो 5 घंटे का सफर है 3 घंटे में हुआ, और सबसे बड़ा एनएच घोटाला भी तो बीजेपी के, अपने आप कर लेंगे सही बात में दोबारा जीतने के बाद, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी आपको लगता है जीतेगी, फिर घोटाले होंगे, घोटाले हट जाएंगे। मैम यहाँ पे जो है काम भी बहुत किया है, प्रोग्रेस भी बहुत हुई है हरीश रावत सर के उसमें, जब जिस टाइम हरीश रावत सर थे यहाँ पे मुख्यमंत्री उस टाइम जो है यहाँ का जो है माहौल भी अच्छा था, और जो है भाई सबके कारोबार भी अच्छे थे लगभग, अब फिलहाल कारोबार से भी बहुत टूट गए हैं, मार्केट भी बहुत डाउन चल रही है फिलहाल, लगभग ये समझो ऐसा हो रहा है, मानने की बात है अगर हम कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो कारोबार हमारा पहले से बहुत ज़्यादा डूब गया है। मगर अब इनको पता चला है कि बाजार में क्या स्थिति है, लॉकडाउन के तुरंत लॉकडाउन लगा हुआ था और बीजेपी वालों ने बाजार में अतिक्रमण शुरू कर दिया, बिना दुकानदार को बताया रात को अतिक्रमण शुरू कर दिया, लोगों की दुकानों के आगे से सड़कें तोड़नी शुरू, क्यों इसमें दुकानदार को नुकसान ही रहा? और लोगों से जान लेते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, सीएम के चेहरे में कौन सबसे बेस्ट बैठता है, क्योंकि इनका तो मुझे कहना कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मोदी भक्त है एकदम, और लोगों से जान लेते हैं इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। यहाँ देख सकते हो आप भीड़ कितनी ज्यादा लग चुकी है, मैं सबसे हाँ तो अब और लोगों से जान ले, आपको आपको क्या लगता है सीएम के चेहरे में कौन सबसे बेस्ट है, धामी जी या फिर हरीश रावत या फिर कर्नल अजय कोठियाल? हरीश रावत। हरीश रावत, हरीश रावत क्यों? अच्छा काम किया उन्होंने अपनी योजना में। क्या क्या अच्छा काम किया? सड़कों का, नालियों का और व्यापार के लिए भी। और क्या लगता है क्या क्या अच्छा काम करेंगे और आने वाले टाइम में भी?
अच्छा ही काम करेंगे, व्यापारियों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। तो और लोगों से जान लेते हैं अब कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, कौन जीतेगा और कौन होगा सीएम की कुर्सी पर विराजमान। इसकी बहस बहुत ही ज्यादा छिड़ चुकी है, अब और लोगों से भी बातचीत करके ये जान लेते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या मौजूद है। सीएम की रेस में लगातार पुष्कर सिंह धामी, उसके बाद हरीश रावत और कहीं ना कहीं अब तीसरा विकल्प जो उत्तराखंड की जनता के लिए आया है आम आदमी पार्टी का कर्नल अजय कोटियाल लगातार रेस में बने हुए हैं, पर सीएम की गति पर कौन विराजमान होगा ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो आपके हिसाब से कौन है जो हमारे प्रदेश के सीएम होंगे? एक युवा होने चाहिए, और मैं किसी संगठन विशेष के लिए तो नहीं कहूँगा, बट ये कि जो भी संगठन राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति, समाज के हित में कार्य करेगा वो सीएम होना चाहिए, वो संगठन होना चाहिए। क्योंकि अभी तक इतने समय से सब करते ही आ रहे हैंगे, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे वर्तमान में सीएम हैं, उन्होंने इतना कुछ मतलब युवाओं के लिए कर दिया है, और सबसे मेन है कि समाज के लिए ना, जो युवाओं के लिए कितना युवाओं के लिए तो युवाओं को ही पता है मैडम, इतनी सारी योजना है, बाकी अब एक एक योजना को लेकर के उठाया जाएगा तो फिर रात हो जाएगी। यार आपके पास इतना समय तो है नहीं कि आप इतना समय मुझे देंगी और ना मैं आपको बता पाऊंगा, बट ये है कि सब कुछ हो रहा है और चल भी रहा है, पता है सबको, जिन्हें लाभ मिल रहा है उन्हें सबको पता है कि इतनी सारी योजनाओं का लाभ कैसे लाभान्वित हो रहे हैं लोग। पर कहीं ना कहीं जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, जितने आपने कहा कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, युवाओं को नाम नहीं लिया है, मैंने तो बस ये कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार तो बीजेपी की है ना, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवा मुख्यमंत्री को आप किस ओर इशारा कर रहे हैं, बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी। तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने इतने हजार जो 20,000 या फिर जितना भी उन्होंने युवाओं को नौकरी देने का दावा किया, पर उसके बावजूद जो आप देख सकते हैं यहाँ गांधी पार्क के बाहर लगातार युवा धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, 4600 ग्रेड पे को लेकर अभी भी लोग इतने परेशान हैं, तो कहाँ बीजेपी सरकार इसमें लैक कर रही है आप बताएंगे? मैम अगर आप ये कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, किसी भी परिवार का कोई भी मुखिया अपने परिवार के सब सदस्यों को ना संतुष्ट नहीं कर सकता है, ईश्वर भी है, ईश्वर ने हर किसी को तो संतुष्टि नहीं दे पाएंगे ना, तो सबको संतुष्ट ना करते हुए लेकिन जो परेशान है उनके लिए भी तो एक साथ तो सबके लिए नहीं हो पाएगा ना, धीरे धीरे तो होगा। अब जिन्हें आ जाते हैं या जिन्हें लगता है कि हम रो रो के ही सब कुछ हो जाएगा, अगर रो के ही सबका सब कुछ हो रहा होता तो पूरी दुनिया, यहाँ तक कि इवन आप भी मतलब माइक ना लेकर के अपना काम ना करके रोते और जो आपको चाहिए वो मिल जाता, आप भी काम कर रहे हैं ना, तो जो जिसका काम है वो काम करें और सबकी योग्यता अनुसार उन्हें मिलता भी आएगा ना। आप कहीं ना कहीं जो MBA और जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो अनएजुकेटेड हो, सब अपनी एक डिग्रियां लेकर वहां बैठे थे, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो सरकार पर आएगा ही ना कि जिन नौकरियों का वो दावा कर रहे हैं वो कहाँ कम पड़ रही है, कहाँ अभी जो युवाओं तक पहुंचने में इतना टाइम लग चुका है उन्हें। मैम एकदम से तो कोई भी मतलब कोई योजना कह सकते हैं, कोई आदेश, कोई शासन आदेश एकदम से पारित होते एकदम से एक्शन में तो नहीं आता ना, उनको करने के लिए कुछ तो प्रोग्रेस, कुछ भी मतलब जो प्रतिक्रियाएं होती वो तो सब होंगी ना। अगर आज ही कोई योजना पास हुई है तो कल तो उसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना। अब मुझे लगे कि आपने अभी ये मुझसे बाइट लिएगी और आप भैया के हाथ में इसकी लाइफ दे दें तो एकदम से नहीं आ पाएगी ना, उसमें भी तो 2 सेकंड का टाइम लगेगा, तो वो तो योजना है मैडम, सरकार के काम है, सरकार निरंतर कर ही रही है और करेगी, कर रही है तभी तो चल रहा है। तो जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की और जो आखिरी में जो कंक्लूजन आता है, तो जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भरोसा ज़्यादा करके बीजेपी को एक साइड चिट दे रही है, और कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी पर अंधाधुन विश्वास कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है और अब चुनाव में जीत के भी वो अच्छा काम करेगी। तो लगातार लोगों की बातें कहीं ना कहीं साफ कर रही है कि इस बार सीएम की रेस पर बीजेपी और कांग्रेस टॉप पर चल रही है, एक हरीश रावत और एक धामी जी कहीं ना कहीं सबसे आगे है, और दोनों में से कोई एक चेहरा जो है वो सीएम की गद्दी पर बैठने लायक है। तो फिलहाल अब हम आपको लगातार कवरेज देते रहेंगे और तमाम ऐसी चुनाव से जुड़ी कवरेज हम आप पर लगातार पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशिबा, और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।